पाकिस्तान उमन वर्सेस साउथ अफ्रीका उमन के बीच में आज जो वर्ल्ड कप का मैच होने वाला है, इसका हम इन डिटेल एनालिसिस यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पे आपको फाइनल ड्रीम इलेवन टीम, उसके साथ साथ सारे स्टैट्स, प्लेयर वाइज एनालिसिस सब कुछ मैं दूंगा। और देखो, यहाँ पे पाकिस्तान की टीम थोड़ी सी कमज़ोर है और साउथ अफ्रीका की टीम थोड़ी सी मजबूत है, तो ये मैच आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप अगर यहाँ पे इस मैच में साउथ अफ्रीका के फेवर में 20 टीम बनाते हो तो आपकी एक ना एक टीम यहाँ पे रैंक वन पर भी आने के चांसेस रहेंगे। तो आप ग्रैंड लीग के दृष्टिकोण से भी ये एनालिसिस आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं इस एनालिसिस को। तो दोस्तों, यहाँ पे ये जो मैच होने वाला है, ये मैच का जो ग्राउंड है ये होने वाला है बेओवल माउंट मोंगानुई पे। तो यहाँ का जो पिच होता है दोस्तों, बैट्समैन को अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे मिलता है। आमतौर पे अगर आप स्कोर देखोगे, एवरेज स्कोर यहाँ पे 230 से 240 के बीच में बनता है, यानी आप 250 के आसपास यहाँ पे स्कोर मान के चलो। यहाँ पर भी अगर साउथ अफ्रीका की टीम पहले बैटिंग करती है तो ये स्कोर बनेगा, अगर पाकिस्तान की टीम पहले बैटिंग करती है तो ये स्कोर यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। 150 से 200 के बीच में यहाँ पे पाकिस्तान वुमन की टीम यहाँ पे सिमट जाएगी। और अगर हम देखें तो यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट टीम यहाँ पे 60% मैचेज यहाँ पे जीती हुई है, और जो बैटिंग सेकंड टीम है यहाँ पे चेजिंग करने वाली, यहाँ पे वो 40% मैचेज जीती हुई है। बैटर्स और बॉलर्स को यहाँ पे लगभग इक्वली सपोर्ट आपको दिखाई देगा। और अगर हम लास्ट 5 मैचेस देखें इस ग्राउंड पे, इस पिच पे, तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे पाकिस्तान 190 पे यहाँ पे बना पाई थी सिर्फ, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 34 ओवर में उसे चेज डाउन कर लिया था। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इंडिया ने 244 रन बनाए हुए थे, पाकिस्तान की टीम सिर्फ 137 रन यहाँ पे बना पाई थी। अगर हम देखें तो यहाँ पे विंडीज़ की टीम ने यहाँ पे 259 रन बनाए थे, और न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट रह गई थी, 256 रन तक वो यहाँ पे पहुँच पाई थी। तो आपको एवरेज स्कोर यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा, वो 250 के आसपास है। पाकिस्तान की टीम यहाँ पे उतना भी नहीं बना सकती है अगर हम देखें तो, अगर कोई प्लेयर टिक जाता है तो हम नहीं कह सकते। तो चलिए हम यहाँ पे प्लेयर वाइज एनालिसिस देखते हैं। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको इस एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूँ जहाँ पे मैं आपको ये एनालिसिस दे रहा हूँ। ये है परफेक्ट लाइनअप का एप्लीकेशन, और इसमें मैंने खोल के रखा है आपके लिए पावर रैंकिंग का फीचर। तो ये जो पावर रैंकिंग है दोस्तों, ये आपको किस तरीके से हेल्प करेगी, यहाँ पे लास्ट 5 या 10 मैचेस के बेसिस पे आपको कुछ प्लेयर्स को रैंक किया जाता है। और यहाँ पे जो टॉप 10 प्लेयर हो गए या फिर टॉप 5 प्लेयर हो गए ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते। तो इस मैच में आपके लिए सना फातिमा इंपॉर्टेंट है रैंक वाइज, अगर देखिए आया बोंगा खाका आपके लिए इंपॉर्टेंट है, निदादार आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, नशरा संधू इंपॉर्टेंट आपके लिए, और एनडी क्लर्क, ये जो टॉप 5 प्लेयर है दोस्तों आपके टीम में यहाँ पे होने चाहिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एनडी क्लर्क इस मैच को नहीं खेलेगी, तो आप यहाँ पे शब्द में स्मेल को पकड़ लो, तो ये टॉप 5 प्लेयर्स आपको यहाँ पे आपके टीम में होने चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे अब 1 बाय 1 प्लेयर वाइज एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे देखो सना फातिमा, इनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे है, लेकिन काफ़ी टैलेंटेड बल्लेबाज है, कंसिस्टेंसी और रिसेंट फॉर्म के बेसिस पे ये आपके टीम में होनी चाहिए। लेकिन ध्यान में रखो, इन्होंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में बॉलिंग नहीं करवाई थी, और अगर आप इनका रिसेंट परफॉर्मेंस देखोगे तो लास्ट 10 मैचेस में से 6 मैचेस ये ड्रीम टीम में रह चुकी है। अगर यहाँ पे इनकी पहले बैटिंग आती तो 70 पॉइंट्स से आपको एवरेज देखी जाती है, और सेकंड इनिंग में अगर इनकी बैटिंग आती तो 67 पॉइंट्स से आपको एवरेज देखी जाती है। और रिसेंट फॉर्म इनका काफ़ी अच्छा चल रहा है, आप देख रहे हो तो यहाँ पे बांग्लादेश वुमेंस के खिलाफ इन्होंने यहाँ पे 4 विकेट्स भी निकाल के रखे, आप यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने यहाँ पे 4 विकेट्स निकाले हुए हैं, 29 रन भी इन्होंने किए थे, स्ट्राइक रेट भी अच्छा खासा माना जाता है 87 का। तो इनको आप ट्राई कर सकते हो अपने टीम में बिल्कुल। तो चलिए हम यहाँ पे अपने नेक्स्ट प्लेयर की तरफ चलते हैं, आया बोंगा काका, इन्हें आप छोड़ नहीं सकते, हिट द डेक बॉलर है, डेथ में बॉलिंग करेंगी और डेथ बॉलिंग के लिए अपने जानी जाती है, यॉर्कर्स के लिए जानी जाती है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो लास्ट 10 मैचेस में से 10 मैच ड्रीम टीम में रह चुकी है, यानी आपके लिए मस्ट अप होने वाली है। अगर हम देखें तो अगर इनकी पहले बॉलिंग आती है तो यहाँ पे 69 पॉइंट्स आपको एवरेज देखी जाती है, अगर इनकी सेकंड इनिंग में बॉलिंग आती है तो 107 पॉइंट्स आपको एवरेज देखी जाती है। और आप देख सकते हो रिसेंट फॉर्म काफ़ी लाजवाब इनका चल रहा है, आप इन्हें कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हो। निदादार ये यहाँ पे एक अच्छी खासी ऑलराउंडर है, आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देखी जाएगी, लास्ट 10 मैचेस में से 8 बार ये ड्रीम टीम में रह चुकी है, अगर इनकी यहाँ पे पहले बैटिंग आती है तो यहाँ पे ये 63 पॉइंट्स आपको एवरेज देखी जाती है, अगर इनकी सेकंड इनिंग में बैटिंग आती है तो यहाँ पे 98 पॉइंट्स आपको एवरेज देखी जाती है। और अगर हम इनका रिसेंट परफॉर्मेंस देखें तो वो भी ठीक ठाक चल रहा है, तो आपके लिए भी मस्ट टॉपिक होने वाली है।
नशरा संधू एक विकेट टेकिंग बॉलर, और पाकिस्तान की तरफ से अगर हम देखें तो इनसे विकेट टेकिंग कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे आप इन्हें ट्राई कर सकते हो और आपके लिए एक मस्ट पिक होंगे अगर पाकिस्तान की पहले बॉलिंग आती है तो आप देख सकते हो लास्ट 10 मैचेस में से 8 बार ड्रीम टीम में रह चुके हैं। अगर यहाँ पे इनकी पहले बॉलिंग आती है तो 69 पॉइंट से आपको एवरेज देखी जाती है, अगर इनकी सेकंड इनिंग में बॉलिंग आती है तो 56 पॉइंट से आपको एवरेज देखी जाती है। रिसेंट फॉर्म काफ़ी इनका अच्छा चल रहा है। एंडी क्लर्क ज़्यादा चांसेस ये नहीं खेलेंगी। शमनम इस्माइल साउथ अफ्रीका की सबसे अच्छी गेंदबाज है, अपने पेस के लिए जानी जाती है और विकेट टेकिंग ये सबसे महत्वपूर्ण। अगर हम देखें लास्ट 10 मैचेस में से 5 बार ये ड्रीम टीम में रह चुकी है, अगर इनकी पहले बॉलिंग आती है तो यहाँ पे 68 पॉइंट्स आपको देखे जाती है, अगर इनकी सेकंड इनिंग में बॉलिंग आती है तो 56 पॉइंट्स आपको देखी जाती है। पूरे अपने 10 ओवर करा के जाएंगे और इनका रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक चल रहा है, हम इतना अच्छा नहीं कह सकते लेकिन बॉलर काफ़ी टैलेंटेड है। बिस्मा मारूफ वन डाउन बैटिंग करेंगी, कंसिस्टेंट बल्लेबाज है लेकिन हालिया फॉर्म थोड़ा सा डाउन हुआ। इनका लास्ट 10 मैचेस में से 4 बार ड्रीम टीम में रह चुकी है, अगर यहाँ पे इनकी पहले बैटिंग आती है तो 68 पॉइंट्स से आपको एवरेज देखी जाती है, अगर इनकी सेकंड इनिंग में बैटिंग आती है तो यहाँ पे इनका परफॉर्मेंस लगभग आधा हो जाता है, यानी सेकंड इनिंग में आप इन्हें छोड़ सकते हो, फर्स्ट इनिंग में आप इन्हें ट्राई भी कर सकते हो। यहाँ पर अगर हम इनका रिसेंट परफॉर्मेंस देखें तो वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो ग्रैंड लीग में आपके लिए अच्छी पिक होंगी लॉरा वाल्डवर्ड। देखिए यहाँ पे इनका अगर हम देखें तो यहाँ पे ये ओपन करेंगी और यहाँ पे फॉर्म काफ़ी अच्छा चल रहा है, लास्ट 10 मैचेस में से 6 बार ये ड्रीम टीम में रह चुकी है, अगर इनकी यहाँ पे पहले बैटिंग आती है तो 48 पॉइंट्स से आपको एवरेज देखी जाती है, अगर इनकी सेकंड इनिंग में बैटिंग आती है तो 60 पॉइंट्स से आपको एवरेज देखी जाती है। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक होने वाली है, रिसेंट फॉर्म आप देख सकते हो इसमें काफ़ी चढ़ उतार आपको दिखाई देगा लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ कभी भी अच्छा स्कोर ही करके जा सकती है। सुनील उस यहाँ पे कैप्टनसी कर रही है और यहाँ पे बैटिंग ऑर्डर भी इनका थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 4 नंबर पे बैटिंग के लिए भी आ रही है और थोड़ी बहुत बॉलिंग भी करके जा सकती है। तो ये इनके ऊपर होगा पूरा, मतलब ओवर्स करने हैं या नहीं करने, अगर एक आध बॉलर का भी दिन यहाँ पे ख़राब चला जाता है तो सुनील उस अच्छे खासे ओवर्स यहाँ पे करा के जाएंगी। लास्ट 10 मैचेस में से 7 बार ये ड्रीम टीम में रह चुकी है, अगर हम देखें तो यहाँ पे पहले जब बैटिंग कराती तो 62 फैंटेसी पॉइंट्स आपको एवरेज देखी जाती है और सेकंड इनिंग में यहाँ पे 64 पॉइंट्स यहाँ पे इनका फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज होता है। रिसेंट फॉर्म इनका ठीक ठाक चल रहा है तो आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। आलिया रियाज काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर है दोस्तों, एक तो बैटिंग से बैकअप देखे जाएंगे साथ में कुछ और बॉलिंग भी करा के जा सकती है। तो इम्पोर्टेंट होंगे लास्ट 10 मैचेस में से 8 बार ये ड्रीम टीम में रह चुकी है, यानी इनका रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा चल रहा है और यहाँ पे अगर इनकी पहले बैटिंग आती है तो 60 पॉइंट्स आपको एवरेज देखी जाती है, सेकंड इनिंग में अगर इनकी बॉलिंग आती है तो यहाँ पे 38 पॉइंट्स आपको एवरेज देखी जाती है। आप रिसेंट फॉर्म के बेसिस पे इन्हें जरूर ट्राई कर सकते हो अपने टीम में। गुलाम फतिमा ज़्यादा चांसेस नहीं खेलेंगी। कोहली ट्रॉय देखिए काफ़ी टैलेंटेड बल्लेबाज है, बैटिंग ऑर्डर इनका थोड़ा सा नीचे लेकिन ये बॉलिंग से भी यहाँ पे अच्छी खासी ओवर्स करा के जा रही है। बॉलिंग से अगर इनको एक आध विकेट भी मिल गया और बैटिंग से इन्होंने 20-30 रन बना के दे दिए तो यहाँ पे यही अपना काम यहाँ पे करके जाएंगी, तो आपके लिए एक अच्छी खासी पिक होंगी। रिसेंट फॉर्म इनका थोड़ा सा डाउन हुआ है, यहाँ पे लास्ट 10 मैचेस में से सिर्फ 3 मैचेस ड्रीम टीम में रही है, अगर यहाँ पे इनकी पहले बैटिंग आती तो 47 पॉइंट्स आपको एवरेज देखी जाती है, सेकंड इनिंग में अगर इनकी बैटिंग आती तो यहाँ पे 54 पॉइंट्स आपको एवरेज देखी जाती है। रिसेंट फॉर्म अगर आप देखो तो इनका अच्छा चल रहा है। ऐमन अनवर यहाँ पे एक एवरेज बॉलर है दोस्तों और आप इन्हें ग्रैंड लीग में ज़रूर ट्राई कर सकते हो। आप लास्ट 10 मैचेस में से 3 बार ड्रीम टीम में रही है, अगर इनकी पहले बॉलिंग आती है तो यहाँ पे 51 पॉइंट्स आपको एवरेज देखी जाती है, सेकंड इनिंग में इनकी बॉलिंग आती है तो यहाँ पे 49 पॉइंट्स आपको एवरेज देखी जाती है और आप देख सकते हो इनका रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक ही चल रहा है। मेरी झना कैप ये मस्ट पिक होंगे आपके लिए, एक मतलब सबसे बेस्ट ऑलराउंडर है इस मैच में अगर हम देखें तो। कैप्टनसी की भी सबसे अच्छी पिक आपके लिए होंगी, एक तो बैटिंग से कुछ रन बना के दे सकती है, टैलेंटेड बैट्समैन है और बॉलिंग से डेप्थ में बॉलिंग कराने वाली, पिछले मैच में भी इन्होंने डेप्थ ओवर करवाया था और यहाँ पे आप देखो लास्ट 10 मैचेस में से 9 मैचेस ये ड्रीम टीम में रही है, अगर इनकी यहाँ पे पहले बैटिंग आती है तो 58 पॉइंट्स से आपको एवरेज देखी जाती है, अगर इनकी सेकंड इनिंग में यहाँ पे बैटिंग आती है तो यहाँ पे 54 पॉइंट्स आपको एवरेज देखी जाती है। रिसेंट फॉर्म इनका काफ़ी अच्छा चल रहा है, मस्ट पिक आपके लिए, कैप्टनसी भी आप इन्हें दे सकते हो। लीज लिली ज़्यादा चांसेस नहीं खेलेंगे, खेलते तो अटैकिंग बल्लेबाज ये भी। एंड्रिस टेन इनके भी खेलने के चांसेस यहाँ पे बहुत ही कम है। मसाबाटा क्लास यहाँ पे विकेट टेकिंग बॉलर बहुत ही, और यहाँ पे आप इन्हें नहीं छोड़ सकते दोस्तों, लास्ट 10 मैचेस में से 8 बार ये ड्रीम टीम में रह चुकी है, अगर इनकी पहले बॉलिंग आती है तो 34 पॉइंट से आपको एवरेज देखी जाती है लेकिन अगर इनकी सेकंड इनिंग में बॉलिंग आती है तो यहाँ पे 65 पॉइंट्स का इनका एवरेज होता है, यानी डबल हो जाता है लगभग। रिसेंट फॉर्म आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा चल रहा है, मस्ट पिक आपके लिए।
ओमी मासवेल एक टेक्निकल बल्लेबाज है और यहाँ पे कंसिस्टेंसी भी इनकी अच्छी खासी रहती है, लेकिन हाई अप हम थोड़ा सा डाउन हुआ है। लास्ट 10 मैचेस में से 6 बार ये ड्रीम टीम में रह चुकी है। अगर इनकी पहले बैटिंग आती तो यहाँ पे 48 पॉइंट्स आपको एवरेज देखी जाती है। अगर इनकी सेकंड इनिंग में बैटिंग आती तो यहाँ पे 47 पॉइंट्स आपको एवरेज देखी जाती है। इनका यहाँ पे रिसेंट परफॉर्मेंस है तो आप इन्हें ग्राइंड लीग में ट्राई कर लेना। अना मोमिन देखिए एक एवरेज बॉलर है, अगर आप इन्हें ट्राई करना चाह रहे हो तो कर सकते हो। लास्ट 10 मैचेस में से 4 बार ये ड्रीम टीम में रह चुकी है। अगर यहाँ पे इनकी पहले बॉलिंग आती है तो 74 पॉइंट्स से आपको एवरेज देखी जाती है, यानी पहले बॉलिंग करते समय इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। और अगर सेकंड इनिंग में इनकी बॉलिंग आती है तो 42 पॉइंट्स से आपको एवरेज देखे जाएंगे। रिसेंट फॉर्म इनका ठीक ठाक चल रहा है, यानी इतने कंसिस्टेंट नहीं दोस्तों। आप देखोगे यहाँ पे 2 मैचेस इनकी कंप्लीटली यहाँ पे फ्लॉप गए हैं, उससे पहले इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा चल रहा था, तो ट्राई कर सकते हो आप इन्हें भी। जबीरिया खान पाकिस्तान की सबसे टैलेंटेड बल्लेबाज, लेकिन पिछला मैच ये नहीं खेली थी। अगर खेलती थी तो खेलती है इस मैच में तो आपके लिए अच्छी खासी पीके होने वाली है। लास्ट 10 मैचेस में से 8 बार ये ड्रीम टीम में रह चुकी है। अगर इनकी पहले बैटिंग आती है तो 46 पॉइंट्स से आपको एवरेज देखी जाती है। अगर इनकी सेकंड इनिंग में बैटिंग आती है तो प्रेशर में इनका थोड़ा सा कम हो जाता है परफॉर्मेंस, सिर्फ 21 पॉइंट्स का इनका यहाँ पे एवरेज है, तो आप इन्हें वहाँ पे छोड़ सकते हो इन्हें। और रिसेंट फॉर्म भी इनका कुछ खास नहीं चल रहा है। मुनीबाली ज़्यादा चांसेस नहीं खेलेंगे। सिद्रा नवाज एक एवरेज प्लेयर पिक होंगे आपके लिए, एक तो एवरेज बैट्समैन है और बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे, लेकिन विकेट कीपिंग से आपको अच्छे खासे पॉइंट्स देखे जा सकती है। लेकिन आप यहाँ पे इन्हें ग्राइंडिंग में ट्राई करना। लास्ट 10 मैचेस में से 5 बार ये ड्रीम टीम में रह चुकी है। अगर इनकी पहले बैटिंग आती है तो यहाँ पे 25 पॉइंट्स से आपको एवरेज देखी जाती है। अगर इनकी सेकंड इनिंग में बैटिंग आती है तो 29 पॉइंट्स से आपको यहाँ पे एवरेज देखी जाती है। इनका कुछ परफॉर्मेंस है दोस्तों, इसके बेसिस पे आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। नाहिदा खान पिछला मैच खेली थी, ये भी कंसिस्टेंट बल्लेबाज है और यहाँ पे लास्ट अगर देखें तो 10 मैचेस में से 4 बार ही ड्रीम टीम में रह चुकी है। अगर यहाँ पे पहले बैटिंग आती तो 26 पॉइंट्स इनका एवरेज होता है, सेकंड इनिंग में डबल हो जाता है, यानी सेकंड इनिंग में नाहिदा खान आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर हम इनका रिसेंट परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी एवरेज चल रहा है दोस्तों। आप रिसेंट परफॉर्मेंस देख के इन्हें छोड़ सकते हो अपने टीम में। त्रिशा चेट्टी एक तो एवरेज बॉलर हम इन्हें कह सकते, लेकिन एक तो देखिए इन्हें बॉलिंग मिलने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। अगर बैटिंग आती है इनकी तो वो काफ़ी नीचे, बैटिंग ऑर्डर इनका काफ़ी नीचे, लेकिन विकेट कीपिंग से आपको ये अच्छा खासा बैकअप देखे जा सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे और आप इन्हें छोड़ भी सकते हो दोस्तों। इनका रिसेंट परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, इन्हें चांसेस बहुत ही कम मिलते हैं। अगर चांसेस मिल रहे होते तो इनका यहाँ पे परफॉर्मेंस थोड़ा सा अलग होता। लारा गुडॉल वन डाउन बैटिंग करने के लिए आएंगी, वैसे है तो एवरेज ही बल्लेबाज। और वुमेंस क्रिकेट में आप हमेशा ध्यान में रखो कि आपको बॉलर्स और ऑलराउंडर्स पे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, तो आप इन्हें ग्राइंड लीग में ट्राई कर लेना दोस्तों। ग्राइंड लीग में आपके लिए एक अच्छी पिक होंगी। पहले बैटिंग करती है तो 11 पॉइंट्स का इनका एवरेज, सेकंड इनिंग में अगर ये बैटिंग करती है तो 14 पॉइंट्स का इनका यहाँ पे एवरेज होता है। तो बिंदास आप इन्हें छोड़ सकते हो ग्राइंड लीग में अच्छी पिक। ये कौन है, यन मलाबा, इनके खेलने के चांसेस यहाँ पे बहुत ही कम है। डायनाबेक एक अच्छी बॉलर है दोस्तों, विकेट टेकिंग बॉलर है, और अगर पाकिस्तान की पहले बॉलिंग आती है तो ये डेथ में भी बॉलिंग करा के जाएंगी, तो उस केस में आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। लास्ट 10 मैचेस में से 4 बार ये ड्रीम टीम में रही है। अगर यहाँ पे इनकी पहले बॉलिंग आती है तो यहाँ पे 44 पॉइंट्स से आपको एवरेज देखी जाती है। अगर इनकी सेकंड इनिंग में बॉलिंग आती है तो 43 पॉइंट्स का इनका एवरेज होता है। और रिसेंट फॉर्म इनका इतना अच्छा नहीं चल रहा है, आप देख सकते हो कंसिस्टेंसी की थोड़ी सी कमी आपको इनमें दिखाई देगी। सिद्रा अमीन ओपन करेंगी यहाँ पे, और मैंने आपको पहले कहा है बैट्समैन जो है यहाँ पे इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे आपके लिए। और सिद्रा अमीन वैसे ही तो टैलेंटेड बल्लेबाज है और कभी भी 35-40 रन आपको बना के देंगी, लेकिन आप फिर भी मेरे ख्याल से आप इन्हें ग्राइंडिंग में ट्राई कर लेना। लास्ट 10 मैचेस में से 4 बार ड्रीम टीम में रह चुकी है। अगर इनकी पहले बैटिंग आती है तो 15 पॉइंट से सिर्फ देखे जाते हैं आपको एवरेज, और सेकंड इनिंग में थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट हो जाती है, 35 पॉइंट्स का इनका यहाँ पे एवरेज होता है। और अगर आप रिसेंट परफॉर्मेंस देखे होगी तो आपको पता चलेगा कि कंसिस्टेंसी की कमी है। मिंगनॉन डुप्रीज देखिए टैलेंटेड बल्लेबाज है, कंसिस्टेंट रहती है, और यहाँ पे लास्ट 10 मैचेस में से 4 बार ये ड्रीम टीम में रह चुकी है। आपको इनको थोड़ा सा परफॉर्मेंस आपको डाउन होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ये इससे कई टैलेंटेड बल्लेबाज है। और यहाँ पे अगर बैटिंग पहले करती तो 29 पॉइंट्स से आपको एवरेज देखी जाती, सेकंड इनिंग में 21 पॉइंट्स का इनका एवरेज है। लेकिन आप इस पे मत जाओ दोस्तों, इनका जो टैलेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, और इन्होंने अगर थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्म खराब हुआ है, लेकिन अगर BBL में आप देखो तो इनका परफॉर्मेंस काफ़ी लाजवाब था वहाँ पे। तुमी सेकू ने ज़्यादा चांसेस नहीं खेलेंगे। तानजीम ब्रिट्स यहाँ ओपन करने वाली है, और काफ़ी स्ट्रगल किया था इन्होंने पिछले मैच में। देखो यार 18 गेंदे खेली, एक रन भी नहीं बनाया, उसके बाद एक चौका मारा और आउट हो गई।
तो यहाँ पे साफ तौर पे वो जो प्रेशर था उनके ऊपर दिखाई दे रहा था। तो ग्रैंडलिंग आपके लिए एक अच्छी पिक होंगी। लास्ट 10 मैचेस में से 6 बार रिडीम टीम में रह चुके। अगर इनकी यहाँ पे पहले बैटिंग आती तो 28 पॉइंट्स आपको एवरेज देके जाएंगी। अगर सेकंड इनिंग में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, अगर पाकिस्तान की टीम यहाँ पर प्रेशर में थोड़ा सा जल्दी ऑल आउट हो जाती है ना, तो यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है। सेकंड इनिंग में 42 पॉइंट्स का इनका फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज होता है। किसका? ताजमिन ब्रिट्स का। तो इनका रिसेंट फॉर्म आप देख सकते हो, लगातार यहाँ पे डाउन होता आया है। तो देखिए यहाँ पे किसी भी मैच में अच्छा परफॉर्म करके जा सकती है। रेसिपी नोट्स है कि ये नहीं खेलेंगे ज़्यादा चांसेस है। सिनालो जापटा ये भी नहीं खेलेंगे। पूरा प्लेयर वाइज एनालिसिस हमारा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है दोस्तों। अब हम चलते हैं यहाँ पे अपने ड्रीम इलेवन टीम की तरफ। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और ये जो वीडियो है इसे लाइक आपने अभी तक नहीं किया है तो इसे लाइक ज़रूर कर दो दोस्तों। यहाँ पे हम अपने सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे चलने वाले हो, आपकी डेमो ड्रीम इलेवन टीम। तो दोस्तों ये यहाँ पे ये जो मैं टीम आपको दे रहा हूँ ये फाइनल टीम नहीं, फाइनल टीम आपको मिलेगी परफेक्ट लाइनअप के एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप इस पे आपको टॉस के बाद की सारी अपडेट्स मिलेंगी, उसके साथ साथ आपको स्मॉल लीग की यहाँ पे टीम भी मिलेगी। तो मेक श्योर ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल में होना ही चाहिए। तो आप यहाँ पे टॉस के बाद सब कुछ अपना जो भी अपडेट हो जाते हो आप यहाँ पे सब कुछ हो जाता है। विकेट कीपिंग सेक्शन में मैंने यहाँ पे सिद्रा नवाज को लिया हुआ है। आप त्रिशा चेट्टी को भी ले सकते हो, लेकिन सिद्रा नवाज़ की बैटिंग भी ज़्यादा आएंगी यहाँ पे। और चलो ठीक है, सिद्रा नवाज के साथ हम जा रहे हैं बैटिंग सेक्शन में। लॉरा वॉलडॉट, नाहिदा खान, मैग्नन डुफ्रीज, ये तीन पिक मैंने लिए हुई है। और यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन में मेरीजाना कैप को लिया है, कोलेट ट्राइन को लिया है और निदा दार को लिया है। यहाँ पे बॉलिंग सेक्शन में शबनम इस्माइल हमारे टीम में रहेंगी, आया बोंगा खाका हमारे टीम में रहेंगी, और मसा बटा क्लास को भी मैंने लिया हुआ है। क्योंकि देखिए पाकिस्तान की टीम को मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 ही प्लेयर लिए, उनके उसमें भी यहाँ पे निदा दार मस्ट पिक होंगी, और नशरा संधू विकेट टेकिंग बॉलर, इसलिए मैंने इनको लिया हुआ है। सिद्रा नवाज को मैंने लिया है मतलब विकेट कीपिंग से भी बैकअप देके जाएंगी। नाहिदा खान इनकी सबसे टैलेंटेड बल्लेबाज है। तो यही था दोस्तों पूरा एनालिसिस, ये पूरी टीम है मैंने साउथ अफ्रीका के फेवर में बनाई। अब हम चलते हैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की तरफ। कैप्टनसी के लिए सबसे बेस्ट जो पिक होंगी वो होंगी आपके लिए मेरेजना कैप, और वाइस कैप्टनसी में निदा दार को दे रहा हूँ। आप यहाँ पे वाइस कैप्टनसी आया बोंगा खाका को भी दे सकते हो। यहाँ पे ये जो प्लेयर है ना आया बोंगा खाका, ये काफ़ी अच्छी विकेट टेकिंग बॉलर है। यहाँ पे आप इन्हें भी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लो, और परफेक्ट लाइनअप का एप्लीकेशन अभी तक आपके मोबाइल में नहीं है तो ये होना ही चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो मेक श्योर इसे आप डाउनलोड करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।